ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मगर वो थोड़ा देर धीरे से, अभी कभी स्लाइन खत्म हो गई, उनको बोल दिया सिस्टर स्लाइन खत्म हो गई, तुम आके वो उसको बंद कर दो, तो बोलते कि हाँ ठीक है, तुम हाथ तुम्हारे हाथ से बंद बंद कर दो, हम आते हैं थोड़ी देर से। और जो झाड़ू पोछा लगाते वो बोलते कि तुम्हारी कॉर्ड से नीचे, तुम्हारी कॉर्ड के नीचे से तुम खुद ही झाड़ू मार के लिए। मैं 2 दिन वहाँ से नीचे से झाड़ू मार के लिया, मेरी बेटी का खून भी गया था, थोड़ा 4-5 ब्लड की गई थी। हाँ, तो बाद में मैंने लगा दिया, बाद में वो सिस्टर के वो जब खुद लगा रहा था, मैं खुद लगा रहा था, तब वो स्लैन आउट हो गई थी। बाद में फिर से मैं बोला कि ये स्लैन चेंज कर दो, तो वो भी स्लैन चेंज कर दो, बाद में वो चेंज भी नहीं कर रहे थे, थोड़ी देर रोको ऐसा बोल रहे थे। ये जो अस्पताल है, ये पूरा प्रशासन, इस अस्पताल का प्रशासन भी जिम्मेदार है और महाराष्ट्र शासन भी इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है। और यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी मरीज यहाँ पे आता है, उसको MRI करना हो या सोनोग्राफी करना हो या एक्सरे निकालना हो या CT स्कैन करना हो, उसे बाहर भेजा जा रहा है। यहाँ पर एक ये भी शिकायत हो रही है कि जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स देख रहे हैं। यहाँ ये सिविल में कैसा है, वो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे ज्यादा लोग एज करते प्रैक्टिस लेते ट्रेनी डॉक्टर्स से। हाँ, तो यहाँ पे हमारा का कहना इतना है कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आपके पेशेंट को कौन अटेंड कर रहा है, ट्रेनी डॉक्टर अटेंड करे। हमारा का कहना इतना है कि यहाँ पे स्पेशल डॉक्टर होना प्रस्तुति कर रहे ना, उसमें स्पेशल डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर की बहुत कम है। तो ट्रेनी डॉक्टर होने की वजह से क्या तकलीफ आ रही है आपके पेशेंट को, क्या आप क्या कंडीशन देख रहे हैं उनकी? नहीं ना, वो पढ़ाई में परेशान होना या ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छी मिल रही है ना उसमें। यहाँ पे डॉक्टर स्पेशलिस्ट होना, यहाँ पे डॉक्टर की बहुत कमी है स्पेशल सभी वार्ड में, एक एज वार्ड बोल के नहीं है, सब वार्ड में पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल रही नहीं। स्थानीय पत्रकार हैं योगेश लटकर, जो करीब 20 साल से नांदेड़ को समझ रहे हैं, इन अस्पतालों के अंदर की स्थिति को देख रहे हैं। योगेश जी, क्या कंडीशन है यहाँ की, जो हम पर्दे के पीछे की कहानी समझना चाहते हैं? हमने देखा 48 घंटों में 31 मौतें, आंकड़ा बताया जा रहा है कि और भी शायद बढ़े, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिकल मरीज भी हैं। क्या कमियां यहां पर हैं, क्या चूक हैं जो हाईलाइट नहीं हो पाई हैं अभी तक? सबसे बुनियादी चीज़ अगर देखेंगे तो सरकारी अस्पताल, चाहे नांदेड़ हो चाहे कहीं और जगह हो, यहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ की जो मदार है वो रेसिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर है, जो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MBBS MD, तो इन्हीं के भरोसे सब चलता है। और जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, वो सीनियर डॉक्टर्स का भी एक एक यूनिट, ऐसे 3 यूनिट काम करते हैं 3 शिफ्ट में, सीनियर डॉक्टर होता है उसमें, ऐसे नहीं कि नहीं होता है। लेकिन जो डॉक्टर पढ़ लिख कर सीख जाते हैं, वो सबको अपना प्राइवेट अस्पताल ही डालना है, किसी को सरकारी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जिसको इंटरेस्ट है वो ये करेंगे कि यहाँ पर वो नौकरी करेंगे, यहाँ की पगार लेंगे और अपना अपना प्राइवेट अस्पताल वो एस्टैब्लिश करेंगे, और उसी में जो है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है सरकारी अस्पतालों में है।